subscribe to our channel SinTV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां दी सुपर कुकिंग शो। उम्मीद सब खैरियत से हुंदा। जेकर रेसिपीज ठाहींदा शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु विटामिन ए ऐं डी खां भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ऐं ओमेगा थ्री मौजूदु आहे। बनस्पति घी तमामु बहितरीन एनएक्स असां सां गॾु आहे। एनएक्स में जूसर, ब्लैंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, हर शइ अवेलेबल आहे। तव्हां मार्केट में वञी ॾिसी सघो था। अॼु जेका रेसिपी ठाहियां पियो, बीफ जे हिसाब सां ई रेसिपी ठाहींदा चुके छाकाणि त बकराईद खां पोइ काफ़ी सारी रेसिपीज रहिजी वियूं। मां कंप्लीट कयां पियो। अॼु ठाहियूं पिया पोटैटो बीफ कटलस, यानी गोश्त जे कीमे जा, गहू जे कीमे जा ऐं आलू जा कबाब ठहंदा। मज़ेदार हीअ रेसिपी आहे। ऐं हिन सां गॾु ठाहींदासीं नाशपाती जी चटणी। नाशपाती फ्रूट आहे जेको पेयर उहो वठी सघो था, मार्केट में अवेलेबल आहे। तव्हांखे काफ़ी सारे नए मौसम जे हिसाब सां जेतिरे सीज़न वाइज़ फ्रूट्स अचनि पिया, सभिनी जी मां का न का नई शइ तव्हांखे ठाहिण सेखारियां पियो। त नाशपाती जी चटणी ठहंदी आहे मुरबे वांगुरु, चटपटी। इहे ठाही पूरो साल ताईं बि रखी सघो था। मज़ेदार इहे रेसिपीज़ भई सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदियूं। स्क्रीन ते नंबर हले पियो, का बि फरमाइश करणी हुजे, को कॉल करणी हुजे, को पुछणो हुजे, पुछी सघो था। सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदो। कुकिंग विद शेफ एसएम जो पेज हुते रेसिपी अपलोड थी वेंदी आहे। शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु ठहंदा आहिनि खाधा। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं शारजा कुकिंग ऑयल के साथ, विटामिन ए और डी से भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 मौजूद है, बनस्पति की तमाम बेहतरीन। एनएक्स हमारे साथ है, जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर एनएक्स में हर जगह अवेलेबल है। इसका माइक्रोवेव ओवन भी ले सकते हैं। आज की जो रेसिपी बना रहा हूँ बीफ की, काफ़ी सारी वरायटी आपको ईद के बाद भी बनाना सिखाते आ रहा हूँ। तो आज मैं बना रहा हूँ बीफ पोटैटो कटलस, यानी कीमे के, बीफ के कीमे के और आलू के कबाब बनेंगे। मज़ेदार रेसिपीज़ कल 12 बजे रिपीट चलेगी। इसके साथ नाशपाती की चटनी बनेगी, मुरब्बे टाइप की चटपटी सी चटनी जो आप एक साल तक रख सकते हैं। मज़ेदार ये रेसिपी कल 12 बजे रिपीट चलेगी। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो आप कर सकते हैं। किचन में हलंदासीं, रेसिपी कंदासीं स्टार्ट। बीफ असां खणंदासीं तकरीबन 1 पाव ऐं पटाटा खणंदासीं 4 अदद, ठीक है। बीफ हम लेंगे 1 पाव और आलू हम लेंगे 4 अदद आलू। 4 अदद आलू को हमने कर लिया है बॉयल, ठीक है। 4-4 क्यूब्स करके इसको बॉयल कर लें। और यहाँ पे बीफ की बोटियाँ हैं, ठीक है। बीफ की बोटियाँ बोनलेस हैं, ये 1 पाव जितनी बॉयल की हुई है। इसको हमने मैश करना है दोनों को और फिर इसके अंदर और चीज़ें डाल के इसको चॉपर में चला लेना है। ब्रेड क्रम फ्रेश बनाएंगे, आप ब्रेड क्रम मार्केट से लेना चाहें या ब्रेड के लगा लें। अंडे लगेंगे, बाकी जो जो मसाला जाएगा डिटेल में मैं बताता जाऊँगा। नाशपाती का हम बनाएंगे चटनी बनाएंगे, मुरब्बा पहले इसको स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर कबाब हम बाद में तैयार करेंगे, ठीक है। नाशपाती ईज़िली मिले पई ऐं मार्केट में अवेलेबल आहे। हाणे फ्रूट्स जेके सुठा सुठा ताज़ा फ्रूट्स अचनि पिया हुननि जी रेसिपीज़ ठाहियूं पिया। नाशपाती हमने ले लेनी है यहाँ पे आधा किलो जितनी, ठीक है। आधा किलो जितनी नाशपाती लेनी है, पानी में डिप करके इसलिए रखी है कि ये काला ना पड़ जाए, ठीक है। नाशपाती काली ना पड़ जाए इसलिए यहाँ पे पानी में डिप करके रखी हुई है। तो ये हमने लेनी है आधा किलो, छील के इसके पीसेस कर लें। यहाँ पे हमने करना है 1 टेबल स्पून ऑयल गरम, ठीक है। पानी ड्राई करते हैं और डिटेल में सारी चीज़ें बताता जाऊँगा। 1 टेबल स्पून हमने लेना है ऑयल, और इसके साथ हमने क्या करना है, नाशपाती कटिंग करके रखी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे शारजा कुकिंग ऑयल 1 से 1.5 खाने का चम्मच, बस काफ़ी है। शारजा कुकिंग ऑयल ले लिया, ठीक है। जब ये गर्म होगा इसमें हमने डाल देनी है दालचीनी की 1 बड़ी स्टिक या 2 छोटी स्टिक, ठीक है। दालचीनी जी 2 नंढियूं डंडियूं या 1 वॾी डंडी, इन जो फ्लेवर ॾाढो सुठो ईंदो आहे, खुशबू ऑयल में जी अची वेंदी आहे, ठीक है। नाशपाती के लिए हमने यहाँ पे लेनी है दालचीनी, दालचीनी का हल्का सा अरोमा आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाशपाती को इसके अंदर ऐड करेंगे। ले ली नाशपाती, थोड़े में इसके पीसेस छोटे कर रहा हूँ, ये इस तरह क्यूब्स कर दें इसके। ऑयल जलना नहीं चाहिए, थोड़ा गर्म हो गया तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है। नाशपाती के पीसेस मुझे बड़े लग रहे हैं तो इस तरह क्यूब्स बना लें, वैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी पकने के बाद, ठीक है। इस तरह बड़े साइज़ की ले लें नाशपाती,
सख्त होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो फिर नरम वाली फ़ौरन गल जाती है, वो ख़राब भी हो जाती है। सख्त वाली यूज़ करेंगे तो उसके मुरब्बा अच्छा बनेगा, ठीक है। आधे किलो नाशपाती भी हिते जिया दार चीनी विधि जो खुशबू अच्छी हुई, इसमें हम डाल देंगे नाशपाती, ठीक है। आधा किलो नाशपाती चली गई। नाशपाती डालने के बाद इसको करेंगे मिक्स, दो मिनट तक ताकि ये ऑयल में थोड़ी हो जाए फ्राई दार चीनी के साथ, ठीक है। बादियान का फूल है तो बादियान का फूल भी डाल सकते हैं इसमें, बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता तो फिर मैंने इसलिए नहीं डाला, चाहे तो एक बादियान का फूल भी डाल दें। डेढ़ टेबल स्पून शारजा कुकिंग ऑयल गर्म करो, डेढ़ खंड जो चमचो, इनमें नाशपाती एक दार चीनी विधी, दार चीनी विझण का पोहन में खुशबू अचण लगी, ठीक है। हनमें पोमा विझी छी नाशपाती, नाशपाती विझी इनके हल्की बाहे थे कंदा सी, बर मिनट फ्राई हल्की आँच पे, दो मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि नाशपाती थोड़ी सॉफ्ट होने लगे, फ्राई होने लगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे चीनी, और चीनी डाल के फिर हम इसको कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए, ताकि चीनी के साथ नाशपाती का पानी और चीनी का पानी निकलेगा, जो नाशपाती का जूस है वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप चीनी, इसके ऊपर ही डाल देंगे, ठीक है। हल्की आँच कर देंगे, आधा कप चीनी डाल के, ठीक है। हल्की बाय कंदासी, आधा कप खंड विधि इनके कंदासी मिक्स। अब नाशपाती का जूस चीनी के साथ ही निकलना शुरू हो जाएगा, 3-4 मिनट तक इसको कवर कर देंगे, ठीक है। इनके कंदासी कवर, कवर करने को इनके हल्की थोड़ी तेज़ बाय थे पचंदासी, ठीक है। सफ़ा मीडियम ना हो जाए, बिल्कुल हल्की ना हो, थोड़ी से तेज़ आँच होनी चाहिए, ठीक है। हल्की से थोड़ी तेज़ आँच होनी चाहिए। इसको पकाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में क्या क्या चाहिएगा, दालचीनी का पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, और सौंफ कुटा हुआ इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ जाएगा इसमें 1/2 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा नमक जाएगा, और लेमन जूस लास्ट में थोड़ा सा डालेंगे, और अदरक हम इसमें कश करके या चॉप करके डालेंगे। मैं यहाँ पे बिल्कुल बारीक चॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अदरक को, अदरक खड़ंदासी बिल्कुल अधे चाय के चमचे का थोड़ी मत्थे, या नंडो एक चाय जो चमचो खड़ी वाली, ठीक है। 1 टीस्पून छोटा वाला बिल्कुल लाइट सी अदरक लेंगे, इसको या तो कद्दूकश कर लें या इस तरह फाइन चॉप कर लें, ठीक है। फ्रेश अदरक इसमें जाएगी, जिंजर बिल्कुल फाइन चॉप कर दी मैंने, 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम डालनी है, ठीक है। ये फाइन चॉप कर दी अदरक, अच्छी तरह इसको फाइन चॉप किया, ये साथ तैयार हो गई अदरक हमारे पास, ठीक है। अब जब इसमें देखेंगे, चीनी डालने से नाशपाती का जूस निकल आ रहा है, ठीक है। खंड विझण का नाशपाती जो जूस इनमें निकले पे, हाँ बखर ट्रीटमेंट थी वह कवर हटाइंदासी कि खंड भी ना सड़े। अब चीनी का पानी मेल्ट हो रहा है, ठीक है, और नाशपाती का भी इसमें जूस निकल रहा है। दार चीनी हमने इसमें डाली हुई है जिसका एक अरोमा इसमें बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। 1/2 खंड जो चमचो शारजा कुकिंग ऑयल गरम करो, एक दार चीनी की बड़ी डंडी तोड़े इनमें भी छज्जो। नाशपाती इनमें विधि है 1/2 किलो, साफ़ करें चंगी तरह, वॉश करें, साफ़ करें, टुकड़ा करें, इनमें भी छंदासी 3-4 मिनट उनके फ्राई कंदासी। पोइ में 1/2 कप खंड विझी मिक्स करे, कवर कर हुआ है ताकि नाशपाती जो जूस निकली अच्छे। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुलिल्लाह, तहां बुधायो छ हालन? हेलो, हां छा था खायो अज? आवाज बंद हो गई है पे स्पीकर की। हेलो, हां मोकल लाया था जी जी, छा हालन ताजा? हां बस थैंक यू, शुक्र है। प्रोग्राम दिसो पे? नाशपाती जो मुरब्बो ठाया पे मसाले वाली चटनी आलू गोश्त जो कबाब ठाया पे। हलो जरूर ट्राई कर जो, पंजो खोर सारो ख्याल रख जो, ठीक है। टीम ठीक लगी पे ता जी टीम? हां सब अल्लाह जो शुक्र है, ठीक है। पंजो खोर सारो ख्याल रख, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा अब 4-5 मिनट हो गए, नाशपाती का और चीनी का सिरप बन गया है, ठीक है। नाशपाती पंजो जूस छड़न दिया हीट में, जनिन में खंड में दिया, अब इसका ये सिरप बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो कश की हुई अदरक थी 1 टीस्पून से थोड़ी कम वो डाल देंगे,
ठीक है। अगर अदरक ना है तो सुंड भी विझी सको था पीठल जिका अदरक जो पाउडर होता है, ठीक है। अगर अदरक नहीं डालना चाह रहे तो जिंजर पाउडर मिलता है, अदरक का पाउडर जिसे सौंठ भी कहते हैं, वो भी इसमें आप 1 टीस्पून से थोड़ी कम डाल सकते हैं, ठीक है। ये डाल के मिक्स किए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें चटनी में। ये डालने के बाद अब इसमें हम क्या डालेंगे, अब इसमें हम डालेंगे सौंफ। सौंफ को पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, कुटा हुआ सौंफ जैसा। सौंफ को कूट के 1 चाय का चम्मच सौंफ चला गया, ठीक है। सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला, 1/2 चाय जो चम्मचों चाट मसालो, 1 चाय जो चम्मचों सौंफ कुटे वठ जो वो भी चढ़िया, ठीक है। कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चम्मचों, कुटियल कारा मिर्च 1/2 चाय जो चम्मचों, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, सौंफ कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, नमक हसबे ज़रूरत 1/2 टीस्पून से कम, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ इसमें जाएगा 1/2 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ जाएगा 1/2 चाय का चम्मच। और यहाँ पे है मेरे पास है दालचीनी का पाउडर, दालचीनी को पीस के उसका पाउडर बना दिया है, वो डाल दिया है 1/2 चाय का चम्मच, ठीक है। दोबारा रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। नाशपाती में हमने जब चीनी डाल दी थी 5 मिनट कवर किया, सिरप बन गया, नाशपाती का पानी निकल आया। अदरक को कश करके या कूट के इसमें डाल दिया 1 चाय का चम्मच, ठीक है, या अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम, ठीक है। उसके बाद नमक 1/2 चाय के चम्मच से कम डाला, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ 1/2 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, और सौंफ इसमें डाला है कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1/2 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ 1/2 चाय का चम्मच गया, और दालचीनी का पाउडर डाल दिया 1/2 चाय का चम्मच। इसको हमने करना है मिक्स, ठीक है। इनके कंधा से मिक्स चंगी तरह और इनके हाणे पचाईंदा से अना थोड़ो भी, ठीक है। ये सब चीज़ें डाल दी, बहुत मज़े के दालचीनी के पाउडर से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो 1/2 टीस्पून भर के दालचीनी डाली, ठीक है। दालचीनी जो पाउडर ठाई छो 1/2 चाय जो चम्मचों, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चम्मचों, लूण 1/2 चाय जो चम्मचों, कारा मिर्च कुटियल 1/2 चाय जो चम्मचों, उन सा गड सौंफ विधा इन में कुटे 1 चाय जो चम्मचों, अच्छो जीरो भुने कुटे विधवा 1/2 चाय जो चम्मचों, लूण 1/2 चाय जो चम्मचों, चाट मसालो 1/2 चाय जो चम्मचों है, ठीक है। दालचीनी जी पाउडर 1/2 चाय जो चम्मचों विझी इनके मिक्स कयो। मिक्स करण का पो इनमें हाने विझंदासी, बॉइलिंग अच्छे पे हाने इनमें विझंदासी पानी 1/2 कप, ताकि जेका है नाशपाती ही सफ़ा गरी बने। पानी हम इसमें डालेंगे 1/2 कप, और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है, ताकि नाशपाती अच्छी सी गल जाएगी, फिर इसको पीसेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर आपके पास है तो वो भी डाल दें, या फूड कलर डाल दें। मेरे पास यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पड़ी हुई है, ठीक है, कश्मीरी लाल मिर्च पड़ी हुई है, थोड़ी सी मैं ये डालूँगा इसमें कलर देने के लिए, या पेपरिका पाउडर डाल दें या फूड कलर डाल दें। 1 टीस्पून मैं डालूँ, फीकी होती है तो इसका कलर आता है, जस्ट इसमें तेज़ी नहीं आती, ठीक है। देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाल दी है इसमें 1 टीस्पून, इससे क्या होगा इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, वरना पेपरिका पाउडर मिलता है वो डाल दें, या येलो फूड कलर 1/4 टीस्पून डाल दें, ताकि इसमें कलर आना चाहिए। अब इसको पकने देंगे, ये पकता रहेगा, ठीक है। गाढ़ा मिर्च, देगी गाढ़ा मिर्च जो कश्मीरी गाढ़ा मिर्च उधर वो विझी छोड़ो 1 चाय जो चम्मचों, या पेपरिका पाउडर मिलंदो है कलर ॾियण लाइ 1/2 चाय जो चम्मचों, या जर्दी जो रंग हिन में 1/4 चाय जो चम्मचों विझी इनखे पचण ॾिजो। हल्की बाहि ते ही 15 खां 20 मिंट पचंदो, पंहिंजो पाणी ड्राई थी वेंदो, खुश्क थी वेंदी, पोइ इनखे कुटे थोरो इनखे कढंदासीं, सॼो तरीक़ो ॿुधाईंदुमि थधो करे कीअं इनखे रखिबो। वठूं था शॉर्ट ब्रेक, ॿिए खां पोइ अची रेसिपी कंटिन्यू कंदासीं। दिल चाहे और क्या, शारजा, शारजा वनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए एंड डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 मौजूद है। मज़ेदार रेसिपी ठहे पे जिमें असा ठाऊं पे ते नाशपाती जो मुरब्बो यानी चटनी, नाशपाती जी तमाम बेहतरीन ठहे पे। हाने ठाइंदासी कीमे बीफ जा आए आलू जा कबाब, ठीक है। हुन खां पहिरीं छा कंदासी, एनेक्स जो कंदासी चॉपर, ब्रेड क्रम अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ब्रेड के 4-5 स्लाइस लेने, उसके भी ब्रेड क्रम बन जाते हैं, चॉपर में आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है।
मैंने एक्स्ट्रा चॉपर ले लिया। इसमें हमने क्या करना है, ब्रेड के स्लाइस ब्राउन एजिस के साथ ही डाल दें, ठीक है। ब्राउन जगह साइड्स अंदर इन साइड हिंजा ना हटाए जो हे हिंजा डबल रोटी जा पीसेस हे अर्जेंट जेके तहां के ब्रेड क्रम ठाणा हो जन कोटिंग करण जला त ही ठाई सको तो, ठीक है। इसको हमने चॉपर में डाला और चॉपर को सेट करके बंद करें जी। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कह रहे किथा गला पया? कराची से गले आती जी। कुछ चाहिए चाहिए दो? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएगा यहाँ का? हालिम सिखा दीजिए, इससे बात कीजिए। क्या कह रहे हैं? हालिम हलीम, अच्छा ठीक है हलीम। फिर इंशाल्लाह एक दो वीक आप वेट करें, फिर इंशाल्लाह बनाना सिखा देंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, ओके बेटा। मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्रेड क्रम बनाते हैं। इस तरह आप चॉपर में डाल दें तो अच्छे से ब्रेड क्रम बन जाएंगे। ठीक है, ब्रेड क्रम तुम पान ठही सको तो चॉपर में बिल्कुल आसानी से ठही वा, जूसर मशीन में भी ठही वा, ठीक है। चॉपर नहीं है तो जूसर मशीन में भी ये बन जाते हैं। इस तरह चूरा कर दें, इसके पीसेस करके आप डालें, ये ब्रेड क्रम फ्रेश बन जाते हैं। मार्केट से लेने से बेहतर है आप खुद अपने खुद बनाएं, ठीक है। और सॉरी, इसी मशीन में अगेन हमने अब चीज़ें पीसनी। पहले ब्रेड क्रम इसलिए पीस के निकाला ताकि कीमे और आलू से मशीन गीली हो जाती है, तो ड्राई में हमने ब्रेड क्रम बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एक पाव बोटियां हैं गोश्त की बॉयल हुई हुई, ये डालते हैं, ठीक है जी। कॉल बटू था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वॉल्यूम बढ़ा दें, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा हेलो, मामा वॉल्यूम बढ़ाएं। हेलो जी, वॉल्यूम बढ़ाएं, बिल्कुल आवाज़ नहीं है। हेलो हेलो, वही था शाह कराची हूं। जी जी यदि छा हाल था जा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मां ठीक आया जा जी। यदि को चैन चाहिए तो छाता खाया जो था जी, छाता खाया जी। गोश्त नहीं, आलू जो कबाब ठाए पे उनसे अगर नाशपाती है ना, जो उन्हें जो मुरब्बो ठाए पे मसालेदार चटनी। अच्छा जी, तरीको हिंदर अच्छा। सबसे पहले गोश्त था, एक पाव गोश्त की बोटियां आपने बॉयल कर लेनी है, ठीक है। पहले इसको हमने ग्राइंड करना है बोटियों को, ताकि अच्छी सी ये सेट हो जाए, रेशा बन जाए इसका, ठीक है। रेशा बन जाएगा। एनएक्स का चॉपर यूज कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं एनएक्स का चॉपर कितना जबरदस्त है, नई टेक्नोलॉजी के साथ है, इसमें आप ये चीजें बना सकते हैं। गोश्त का हो गया रेशा, ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का इस तरह का चूरा बन गया, ठीक है। ये देखें बिल्कुल आसानी से, नहीं है तो आप सिलबट्टे पे भी बना सकते हैं, इमाम दस्ते से उखरी मोरी में भी कुटे सको था, इनके इतने हाणे से इनमें विझंदासीं पटाटा, ठीक है। चार अदद पटाटा हुआ दरमियाने साइज़ जा, इनके बॉयल कयो हुआ, बॉयल करे ये विझी छंदासीं। आलू डाल दिए, आलू डालने के बाद एक अदद प्याज डालेंगे, एक अदद बसर दरमियाने साइज़ जो, हरा धनिया हाफ कप जितना, अध कप सावा धाणा, ठीक है, ब का ट्रे अदद सावा मिर्च, दो से तीन अदद हरी मिर्च, है ही नहीं, ठीक है। हाँ इतने अस विधा पटाटा ट्रे का चार अदद, सावा धाणा विधा इनमें अध कप, चार अदद सावा मिर्च, ठीक है, एक अदद प्याज, चार अदद हरी मिर्चें चॉप करके डाली, और उसके बाद हमने इसमें हरा धनिया हाफ गट्ठी चॉप करके डाल दिया, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा फिर हमने ग्राइंड करना है ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छी से मिक्स हो जाए।
कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मौसम एंजॉय किया आपने? जी आपने आज मौसम एंजॉय किया? बहुत ज्यादा। रास्ते में आते वक्त बड़ी बारिश हो रही थी। हाँ, यही तो सोच रहे थे आप कैसे पहुँचे, क्योंकि बारिश ऐसी तेज होने लगी थी, हमने कहा आपको बहुत मुश्किल हुई होगी। हाँ, बहुत आज अचानक आई है, ऐसे था नहीं बारिश का, किया ना उसकी कोई पेशन गोई नहीं थी, कुछ नहीं था, और अचानक से बारिश आ गई। बिल्कुल, मौसम अच्छा हो गया। अभी तो स्टूडियो में हूँ, मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन ये कि मौसम अच्छा हो गया काफी हद तक ना। यहाँ काफी गर्मी थी, अच्छा हो गया जी। अच्छा, अभी आपने बहुत जबरदस्त चीज बनाई है कि नाशपाती के, नाशपाती के बहुत अमूमन कम लोग बनाते हैं चीजें जी, बिल्कुल बहुत कम बनाते हैं, इसीलिए मैंने शुरू से कह रहा हूँ कि फ्रूट्स की बहुत सारी वैरायटी बनती है ना। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा ये कि अब जो फलियां वगैरह ये चीजें आप मतलब सब्जी और दीगर चीजें करने वाले हैं, तो इसके अंदर आप गवार की फली होती है वो भी बनाइएगा। क्या चीज, दोबारा बताइएगा? गवार की फली। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएं या मुझे आवाज ही नहीं आ रही। गवार की फली होती है ना? गवार की फली जी जी, वो भी बनाइएगा। ठीक है, बनाऊंगा। सेम की फली, इस टाइप की फलियां भी बनाइएगा। अभी सीजन आने थे सेम की फली का, तो वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। इसको एक दफा फिर चलाते हैं। मिक्सचर तैयार, ठीक है। एनएक्स के चॉपर में हमने ये सारा मिक्सचर बना दिया, आलू, प्याज, गोश्त, और उसके साथ हरा धनिया था, हरी मिर्च थी, और इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। अच्छा हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट गोश्त के साथ डाल दिया था, बताना भूल गया। एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट गोश्त जब हम बॉयल करेंगे उसके साथ ही करना है, और पानी इसका ड्राई कर दें। ये ना हो कि यखनी बना के आपने गोश्त निकाल दिया और पानी इसका आप अलग कर दें, उसी पानी को आपने ड्राई कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, ठीक है। अदरक थूम जो पेस्ट खाओ, ठीक है, आए वो एक खाने जो चमचो गोश्त में विझी पो उनके बॉयल कजो, ताकि उनके अंदर अदरक थूम जो जायको अची वेंद, आए हुन का पोए तां इनके पीसन दो, पानी उनको खुश्क कर छो तो ढो सुठो उनमें फ्लेवर इंदो, अगर पानी तुम फिटो कर छो तो उनको फ्लेवर निकली वो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे मसाले अच्छी तरह, मसालों में अब इसमें क्या जाएगा, अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, क्योंकि हरी मिर्च हमने दो से तीन डाली थी, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, कुटियल कारा मिर्च अधा चाय जो चमचो, अच्छो जीरो भुनियल कुटियल एक चाय जो चमचो, सफ़ेद जीरा भुना कुटा हुआ एक चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच या थोड़ा उससे ज़्यादा हसबे ज़्याद, लून अधा चाय जो चमचे का थोड़ा मथे, चाट मसाला एक चाय का चम्मच, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें लेमन का जूस। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपने पहले भी कॉल की थी, बच्ची बात कर रही थी। ठीक है हलीम, आप एक दो वीक वेट करें तो मैं इंशाल्लाह बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी आज आप क्या बना रहे हो? आज मैं बना रहा हूँ बीफ पोटैटो कटलेट्स बना रहा हूँ, यानी आलू और गोश्त के कबाब हैं, उसके साथ नाशपाती की मैंने चटनी बनाई है लाइक मुरब्बे की तरह। अच्छा अच्छा, फैसल भाई एक बात आपसे पूछनी थी। बिल्कुल, एक बात पूछनी के लिए, कटलेट कभी बनाती हूँ ना आलू के, तो वो आलू ज्यादा बॉयल हो जाते तो मेरे बिल्कुल वो हो जाते, तो क्या इसका कोई आप तरकीब बता दो। दोबारा बताइए, क्या कबाब के लिए कह रही है? हाँ, खाली आलू के भी कब बनाती हूँ ना तो बिल्कुल बिल्कुल नरम पड़ जाते कबाब आपके, टूट जाते हैं। तो क्या आप आलू को ना चार पीस में करके बॉयल किया करें, ठीक है, छिलका हटा के चार पीस में करके बॉयल किया करें, फिर ठंडा करके उसको मैश करेंगी तो वो नरम नहीं पड़ेगा, जो साबित करते हैं ना वो नरम पड़ जाते हैं, और हमेशा ठंडा करके फिर आप उसको मैश किया करें। और अगर आपको लगता है कि कबाब नरम पड़ रहे हैं तो डबल रोटी का एक स्लाइस लें, उसको पानी में हल्का सा डिप करके नचोड़ के अच्छी तरह वो उसमें मिला दिया करें, ठीक है। अच्छा, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, इसमें मैंने क्या क्या डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च
इसमें डाल दी है एक चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक, अच्छा गरम मसाला पाउडर रह गया आधा चाय का चम्मच, ठीक है नमक इसमें डाल दिया आधा चाय के चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ डाल दिया है एक चाय का चम्मच, चाट मसाला एक चाय का चम्मच और गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच डाल दिया, ठीक है इसको कर रहा हूँ मिक्स, और लेमन जूस इसमें एक खाने का चम्मच चला गया, ठीक है इनमें मैं वितवा कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, कुटियल कारा मिर्च अध चाय जो चमचो, लून अध चाय जो चमचे का थोड़ा मथे, गरम मसालो पाउडर अध चाय जो चमचो, आई हुन सा गड मैं इनमें विधा इन कारा मिर्च कुटियल अध चाय जो चमचो, आई इनके चंगी तरह मिक्स कर, लीमे जो रस इनमें भी छड़ियो एक खाने जो चमचो, इनके मिक्स करें आई इनका कबाब बनाएं, ठीक है कबाब बनाने के लिए एक बॉल में हमेशा पानी ले लें या हाथ हल्का सा ग्रीस भी कर सकती हैं, ठीक है दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। फ्राइंग पैन रखते हैं यहाँ पे गरम करने के लिए, और अंडा पहले एक लेते हैं फिर दो, डायरेक्ट देखते हैं एक अंडे में हो गया कोटिंग तो ठीक है वरना दो हम यूज़ करेंगे, ठीक है एक अगर तक अंडा ले लिया, इसको अच्छी तरह बीट करेंगे अंडे को, हाथ गीला करके कबाब बनाएं, पहले ब्रेड अंडे में डिप करें फिर ब्रेड क्रम जो हमने डबल रोटी के बनाए फ्रेश उसमें डिप करें और शैलो फ्राई करेंगे क्योंकि हर चीज़ तैयार है जस्ट हमने इसको करना है फ्राई, ठीक है ये हो गया अंडा ये हो गया ब्रेड क्रम, और एक बॉल में हम लेते हैं थोड़ा पानी ताकि कबाब हमेशा हाथ गीला करके बनाएंगे तो कभी भी चिपकेगा नहीं हाथ पे, अगर नरम भी होता है कबाब तो वो भी चिपकता नहीं हाथ पे, ठीक है यहाँ पर हम ऑयल गर्म करेंगे शारजा कुकिंग ऑयल आधा कप जितना तकरीबन लूँगा क्योंकि मुझे शैलो फ्राई करना है डीप फ्राई नहीं करना है, ठीक है आधा कप शारजा कुकिंग ऑयल काफ़ी है, और जब ऑयल आप फ्राई करते हैं कोई चीज़ तो उसको ठंडा करके छान के दोबारा रख लिया करें, काफ़ी चीज़ें उसमें दोबारा यूज़ कर सकते हैं दो तीन दफ़ा चार दफ़ा। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वो अपना सेफ्रा भाई मुझे ये बता दें कि ये जो हंटर बीफ जो बनता है जी हाँ इसकी वो रेसिपी ज़रा मुझे बता दें। हंटर बीफ की रेसिपी बता दूं? जी 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 ठीक है मैं बता दूं। बनाकर बता दें आप तो ज़्यादा अच्छा होगा जी, बनाना तो सिखाऊंगा क्योंकि उसको हमने 7 दिन तक रखना पड़ता है ना जी 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 मैरिनेट करके तो फिर उसके बाद वो बनता है, ठीक है इसकी रेसिपी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ठीक है जी जी। और ये क्या कहते हैं अपने वो मैं बनाती हूँ ना इसके कबाब बीफ के जी जी मैं कबाब बनाती हूँ ना तो वो बिल्कुल श्रिंग हो जाते हैं यानी कि बिल्कुल और गलते भी नहीं है सही से, जबकि उसमें वो क्या कहते हैं गलाने का पाउडर वगैरह भी डालती हूँ लेकिन उससे सही से बनते नहीं है मुझसे कबाब। बीफ के कबाब कह रही हैं? चपली कबाब जी जी चपली कबाब, ठीक है चपली कबाब मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, मुझे बनाने थे तो देखें किसी दिन बनाता हूँ ठीक है। जल्दी बनाएंगे? हाँ जल्द बनाऊंगा, अगर आपको फ़ौरन देखने हैं तो मेरे पेज पे देख लें कुकिंग विद शेफ फैसल मेरा पेज है ना फेसबुक पे, वहाँ पे अपलोड हुई हुई रेसिपी है, वहाँ मुझे मैसेज करें मैं पूरी परफेक्ट रेसिपीज़ है वहाँ पे आप वहाँ से ले सकते हैं ठीक है। नहीं आप बना के बता दें चलें फिर आप वेट करें एक वीक में इंशाल्लाह मैं ज़रूर बना दूंगा ठीक है। ओके जी थैंक यू। देखें इसको हाँ एक ये दिखा दें, ये देखें एक कबाब हमने उठाया इसको हमने अंडे में डिप किया, इसको ब्रेड क्रम में रखें, दूसरे हाथ से आपने इसको ब्रेड क्रम लगाने हैं ठीक है। इनके माँ पेरी विदो उनमें अंडे में उनका वो ब्रेड क्रम में विदो आ इनके ये छंडे आई ब्रेक थे वन रुपया मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, बस इसको इस तरह उठा के थोड़ा सा झाड़ना है और इसको मैं ऑयल में डाल के शैलो फ्राई कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसको छेड़ना नहीं है, हल्की आँच पे ऑयल में इसको टेम्परेचर पर करके आपने फ्राई करना है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं ब्रेक के बाद आपके कंटिन्यू करते हैं। दिल चाहे और क्या शारजा शारजा वनस्पति घी शारजा कुकिंग ऑयल जिनमें तमाम बेहतरीन खादर ठहंदा आहिते ठाया प्यार ज़बरदस्त कीमे जा बीफ जा बल्कि गोश्त जा आलू जा कबाब जाए तक खाई उनमें गोश्त जो फ्लेवर भी इंदो उनमें आलू जो भी फ्लेवर इंदो इनके मैं ब्रेड क्रम आई बेदो लगाए फ्राई किया पर ठीक है। ब्रेड क्रम और अंडा लगा के इसको फ्राई कर रहा हूँ, कलर देना है जस्ट हमने क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल है गोश्त वगैरह हर चीज़ इसमें मसाले, बस इसको इस तरह कलर आएगा दोनों साइड से ब्राउन गोल्डन जैसे शामी कबाब की तरह शेड आ रहा है और इसको हम निकालते जा रहे हैं। यहाँ पे प्लेट में आप देख सकते हैं मैंने
ब्रेक के दौरान ये कबाब फ्राई कर लेते हैं। साइज़ आप छोटे बड़े कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज से मैंने फ्राई किए हैं, अगर छोटे करना चाहें तो आप छोटे भी करके बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे ज़बरदस्त ब्रेड क्रम आपके सामने बनाया था। अब क्या करेंगे, एक आखिरी दिखा देता हूँ। कबाब हमने उठाया, हाथ गीला किया, कबाब बना दिया। कबाब बनाने के बाद अंडा एक ही काफ़ी है, ठीक है। अंडे में इसको अच्छी तरह इस तरह दो दफ़ा घुमाएं, बेते में ब दफ़ा घुमायो, ठीक है। ब्रेड क्रम जो असा डबल रोटी जो ठाए चूरो हिन में इनके चंगी तरह यहाँ फिक्स करे चलो, ठीक है। ये देखें दोनों साइड से फिक्स हो गया इस तरह, अच्छी तरह ये ब्रेड क्रम लगा, बहुत ज़ोर से नहीं, हल्के हाथ से इस तरह करना, इस तरह घुमाएं ताकि चारों तरफ से इसको हो जाए कवर ब्रेड क्रम, ये दिखा जो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉल बटूँ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सारा? मामा ये दिखाइएगा। एक हफ्ते के बाद फिर आ गई हूँ तंग करने के लिए। जी एक हफ्ते के बाद फिर तंग करने के लिए आ गई हूँ आपको। कैसी हैं आप, ये देखें, ठीक है, इस तरह। मैं सही और मीट का पीछा छोड़ दीजिए। आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है सारा। हेलो हेलो जी जी, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ स्वीट डिशेस बनाइए ना आप, मीट का पीछा छोड़ दीजिए आप। मामा मुझे आवाज़ नहीं आ रही इनकी। हेलो, किन का पीछा छोड़ दूँ? मीट। आप क्यों इतनी इंटरेस्टेड हो रही खाने में, तो आपको ना खाने में अच्छे लगते हैं ना आपको बनाने में अच्छे लगते हैं। स्वीट डिशेस बनाइए ना। नहीं नहीं, जब तक बकरों का गोश्त और गाय का गोश्त लोगों के पास है मैं तब तक बनाता रहूंगा। अच्छा अच्छा बनाते रहें, लेकिन एक स्वीट डिश भी बना दिया करें। स्वीट डिश तो अभी इतनी जरूरी नहीं है, ये चीजें असल में ज्यादा है क्योंकि सब की फरमाइशें मुझे पेज पे आ रही हैं कि बीफ और मटन की रेसिपीज नई नई बनाते जाएं, तो इसलिए मैं ये सारी ना अभी कंप्लीट करूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक है बेकिंग का, तो उसमें बेकिंग की बहुत सारी वैरायटी है। अच्छा अच्छा, यहाँ भी आज तो बड़ा मौसम हसीन है, अभी तीन दिन पहले तीन दिन तक बारिश होती रही धुआंधार, और कल धूप निकल आई थी, आज फिर अभी इतना खूबसूरत समय हो गया, बस लग रहा है। मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही सारा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं क्या यहाँ पे मसला हुआ है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टाइम भी कम है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक बात करेंगे, प्लीज डोंट माइंड नहीं कीजिएगा, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा मुरब्बा हो गया तैयार, ठीक है। इसको क्या करेंगे, मैशर जो आलू मैश करने वाला होता है ना आखिर में, जब आप ये देखेंगे गाढ़ापन आ गया, इसको आपने इस तरह मैश कर देना, ठीक है। आलू मैश करने वालों खड़ी बैठो या कांटे सा भी करे सको था, इसको हल्का हल्का आपने मैश करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, चंक्स रहने दें। अगर चाहे तो इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, जूसर मशीन में इसका पेस्ट भी बना के रख सकते हैं चटनी टाइप का, लेकिन ये मुरब्बे की तरह स्पाइसी सी है तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह मैंने इसके पीसेज में ही रखा है, ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। इनके तहत चाहे होता जूसर मशीन में जी पेस्ट ठाई सको था, ठीक है। इनके तहत चाहे तो कुट्टे पी सको था ये चमचे सा, इनके चाहे तो नंडा नंडा पीसेस कर सको था, ये आलू पीसण वालों जो हों मैशर इन सामान के मैश किया, ठीक है। ये मैशर से मैश कर दिया, ये बहुत ही मज़ेदार सा मुरब्बा हमारा हो गया तैयार, चटपटी सी चटनी है। और सीज़न वाइज जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं उनकी काफ़ी सारी वैरायटी मैंने आपको बनाना सिखाई है। इसको हम निकालते हैं एक बॉल में, इसको ठंडा करेंगे, और इसको प्रिजर्व करने का तरीका बता दूँ, अगर आपने इसको 6 महीने 1 साल तक रखना है तो इसमें एक खाने का चम्मच नॉर्मल सिरका, अचार वाला सिरका खास नहीं, नॉर्मल सिरका जो हम चाइनीज़ में यूज़ करते हैं सादा मिलता है विनेगर वाइट, वो मिला दें, और इसको आप एयर टाइट जार में रख सकती हैं, उसको लेके स्टरलाइज करें, जार को पहले पानी में बॉयल करें शीशे के, ठंडा करें, टिश्यू से अच्छी तरह साफ़ करके ड्राई करके, फिर उसके अंदर आप ये भर के इसमें लेमन सॉरी सिरका मिला के, और इसको फिर आप 1 साल तक 6 महीने तक रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, और वैसे खाएं तो इसको 10 दिन में ख़त्म कर दें अगर इसमें आप कुछ नहीं मिला रहे, ठीक है। ये हमारा हो गया है मुरब्बा तैयार, अगर तां इनके काफ़ी ॾींहनि ताईं रखण चाहियो त 6 महीने ताईं वधीक ठाही, त पोइ हिनमें 1/2 किलो में 1 खाइण जो चमचो तव्हां विझंदो अछो सिरको, लेकिन सिरको 7 सिरको न विझो, 7 सिरको विझिजो, हीउ ॾाढो मज़ेदार मुरबो आहे, ठीकु आहे। हे तव्हां चाहियो त हिन सां गॾु ई थधो करे ईअं बि खाई सघो था, ऐं इनखे तव्हां पेस्ट ठाहे सघो था, पेस्ट करे बि तव्हां खाई सघो था, ठीकु आहे। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, ये पूरा एक जार बन जाएगा, इसको ठंडा करके फिर आपने रखना है, ठीक है। ये हो गया, कबाब को हम सेट करते हैं लिटर में, सलाद पत्ता लगा दें, टमाटो लगा दें साथ, कटलस देखें कितने अच्छे, दोनों साइड से इसका कलर देखें क्रिस्पी, इसका कलर आ रहा है, ठीक है। ये दिखाएं,
दोनों साइड देखें कितना क्रिस्पी, हाथ में टूट भी नहीं रहा, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। पोटैटो कटलेट्स, गोश्त के चिकन के भी इसी तरह बनते हैं, आप चाहें तो चिकन के भी बना सकते हैं। ये हमारे हो गए बीफ के, ठीक है, चिकन मटन बीफ हर तरह से आप बना सकते हैं इसको, और बीफ का भी सीज़न है, बीफ आप लोगों के पास है तो इस तरह के कबाब ये बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और फ्रीज़ करके 15 मिनट पहले निकाल के आप इसको बस आप इसको फ्राई करें, ठीक है। जो कि रेसिपी असाई थी वही तैयार, मज़ेदार रेसिपी टटो कटलस आई हुन सा गड असा जो मुरब्बो। कल ये 12 बजे रिपीट चलेगा, ठीक है। कुकिंग विद शेफ एसम मेरा पेज है, वहीं रेसिपी अपलोड हो जाएगी, कोई चीज़ समझना है तो आप लोग देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। ये हो गए हमारे कबाब, ये हो गए हमारा मुरब्बा, ठीक है। कल 12 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ एसम मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, सारी वीडियोस ये आज रात को अपलोड हो जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल की रेसिपी देखिएगा, मज़ेदार रेसिपी होगी। नेक्स्ट वीक से हमारे पास गेस्ट होंगे, वो बनाएंगी बेकरी आइटम्स, जिसमें बिस्किट्स होंगे, केक्स होंगे, डिफरेंट किस्म के आइटम्स होंगे, ठीक है। तो वो देखिएगा प्रोग्राम भी इंशाल्लाह। सुबह 12 बजे रिपीट हलंदो, कुकिंग विद शेफ एसम जो पेज है फेसबुक से उनके लाइक करो, वीडियो दिसंदा सर्च करो यूट्यूब से सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब से, उनके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जो बटन दबाए जो लेटेस्ट अपडेट मिलंदो रहंदो, पंजो खोर सारो ख्याल रखो। सुबह जी रेसिपी दिसो तमाम मजेदार हुंदी, मथे हफ्ते में बेकिंग कंदासी जेमे गेस्ट अचन पयूं तो ओए बिस्किट्स ऐ केक्स वगैरह डिफरेंट किस्म जो ठाईंदा, वो भी ता दिसजो। प्रोग्राम लाइक करजो, इंशाल्लाह वरी मुलाकात थींदी, दुआओं में अदा करजो। अल्लाह हाफिज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में, विजिट करियो असा जो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।